हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन कर लिया है और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा, फ्रेंड फंक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की सीरीज में मैंने आपको बताया है, अगर आप मुझे थॉरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, व्हेनेवर वी से क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो अगर हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर चाहे हमने जो कुछ भी बनाया हो, जैसे मान लीजिए क्लास एक हम आपको बना के दिखाते हैं, क्लास का नाम हम देते हैं ABC, नाम कुछ भी हो सकता है, नेम कैन बी एनीथिंग, राइट। और इसके अंदर मान लीजिए मैं एक प्राइवेट सेक्शन, वैसे आपको पता है जब हम प्राइवेट नहीं लिखते हैं तो प्राइवेट सेक्शन ही होता है। इसे मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप पे एक ए लेता हूँ और एक बी लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक सेक्शन में आते हैं और इस पब्लिक सेक्शन में मान लीजिए मैं कोई भी चीजें ले लेता हूँ और इसको हम क्लास को बंद करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है, हमने क्या पढ़ा है कि ये क्लास हमारा जब बना, क्लास बनने के बाद अगर हमको इसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, जैसे ए और बी को यूज करना है, तो हमें इस ABC को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए हम ABC का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डबल ए। नाउ ये डबल ए के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये इस ए को और बी को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ओनली दिस डबल ए हैज द कैपेबिलिटी, राइट। सो ये तो हम जानते हैं कि डबल ए जो है वो इस ए को और बी को यूज कर सकता है, क्योंकि किसी भी क्लास के प्राइवेट सेक्शन को सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट थ्रू पब्लिक सेक्शन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब अभी तक हमने ये जाना, ध्यान समझिएगा, बड़े ध्यान से, बस एक छोटी सी चीज है, अगर आपने उसको समझ लिया तो समझ लिया पूरा फ्रेंड फंक्शन। कि अभी तक हमने ये जाना कि किसी भी क्लास के अंदर जो भी कुछ होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट ही उसे यूज कर पाता है। और दूसरी चीज हमने ये जाना कि किसी भी क्लास के अंदर का जो पब्लिक सेक्शन होता है यही एक ऐसा मीडियम होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइवेट सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सर्कमस्टांसेस है जिसमें एक ऐसा फंक्शन है, राइट, एक ऐसा फंक्शन है जो इस क्लास का पार्ट नहीं है, ABC क्लास का पार्ट नहीं है, फिर भी उस फंक्शन को हम चाहते हैं कि कैपेबिलिटी दें कि वो उसके प्राइवेट सेक्शन को क्या कर पाए, यूज कर पाए। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो इस क्लास का पार्ट नहीं है, फिर भी हम इस फंक्शन को ये कैपेबिलिटी देना चाहते हैं, ये एक्सेस देना चाहते हैं कि ये क्या कर पाए, इस ए और बी को क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो इस फंक्शन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त। कॉमन एग्जांपल में, अगर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में आपको समझाऊं तो खुद सोचिए, आपके घर में सिर्फ आपकी एंट्री होती है और साथ ही साथ आपके दोस्त की एंट्री, आपके पापा के दोस्त हो सकते हैं, मम्मी के दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, तो वो एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा क्राइटेरिया कि आप उस फैमिली के मेंबर नहीं भी हैं तो अगर आप फ्रेंड हैं फिर भी उस घर में आप एंट्री कर सकते हैं। तो एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास का, उस क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उस फंक्शन को अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट चीजों को एक्सेस कर पाए, उसके लिए हम उस फंक्शन को बनाएंगे, कौन सा फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रेंड फंक्शन। यही होता है फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो अगर इसका डेफिनेशन है हम लिखे, देखिए कभी भी कोई भी थ्योरिटिकल चीज आती है C++ में तो सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन देना होता है और उसके बाद उसका एक छोटा सा प्रोग्रामेटिकल एग्जाम्पल देना पड़ता है, तभी वो डेफिनेशन पूरा माना जाता है, आप फुल मार्क्स ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन लिखे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्राइवेट सेक्शन ऑफ अ क्लास, यानी कि किसी क्लास का जो प्राइवेट सेक्शन होता है, द प्राइवेट सेक्शन ऑफ अ क्लास इज एक्सेसिबल, यानी कि प्राइवेट सेक्शन जो ऑफ अ क्लास होता है वो एक्सेसिबल होता है ओनली एंड ओनली थ्रू द पब्लिक सेक्शन ऑफ द सेम क्लास, यानी कि उस पब्लिक सेक्शन, मतलब पब्लिक सेक्शन उसी क्लास के पब्लिक सेक्शन में जरिए, ना, पब्लिक सेक्शन ऑफ द सेम क्लास, राइट। नाउ यहां पे आता है ट्विस्ट, व्हाट इफ वी वांट, क्या हो अगर हम चाहते हैं टू गिव प्राइवेट मेंबर्स अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास, किसको, अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास, ठीक है। यानी कि व्हाट इफ, क्या होगा इफ वी वांट टू गिव एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर, हम क्या करना चाहते हैं, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस देना चाहते हैं, अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास, वैसे फंक्शन जो क्लास के बाहर है, यानी उस क्लास का पार्ट नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसेस, इस सर्कमस्टांसेस में,
इन सच सर्कमस्टांसेस, सॉरी circumstances, वी यूज, यानी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन, यानी कि उस कॉन्सेप्ट, मतलब इस जगह पे हम किसका यूज करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को यूज करते हैं। यानी कि सिंपली कहें तो हमारे पास एक क्लास है, क्लास में फंक्शन है, फंक्शन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो प्राइवेट सेक्शन को यूज कर सकता है, लेकिन हम एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं, या यूं कहिए एक ऐसा फंक्शन है जो इस क्लास का पार्ट नहीं है, फिर भी इस फंक्शन को हम एक्सेस देना चाहते हैं कि वो क्या कर पाए, ए और बी को यूज कर पाए, तो इस फंक्शन को हमें क्या करना होता है, फ्रेंड बनाना होता है। ये हो गया फ्रेंड फंक्शन। अब इसके कुछ आप कह सकते हो कि की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, जो आपका फ्रेंड फंक्शन है उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो देखिए। सबसे पहला की पॉइंट ये होता है कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए आप उसे कॉल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये फंक्शन इस क्लास का पार्ट ही नहीं है तो आप इस ऑब्जेक्ट के जरिए कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। यानी अ फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड, अ फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, उस क्लास का जो कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसको आप यूटिलाइज, डबल ए के जरिए आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब ये फंक्शन इसका पार्ट ही नहीं है तो कैसे यूज कीजिएगा, ठीक है, कॉल नहीं कर सकते हैं। तो फिर आगे ये आता है कि अगर हम एक फ्रेंड फंक्शन को जो है वो ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे कॉल करेंगे। तो इसमें आगे लाइन हम लिख सकते हैं कि इट इज कॉल्ड, इन इस फंक्शन को कॉल किया जाता है लाइक नॉर्मल मेंबर फंक्शन, लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, यानी कि जैसे एक नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं ना हम, बिल्कुल उसी तरीके से आप इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे इनपुट फंक्शन को कॉल करना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ इनपुट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये कॉलिंग होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ये पहली बात है कि ये फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट, आप इसको ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं करेंगे क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं होता है, क्लास का पार्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। नाउ सेकंड, क्योंकि अब देखिए, अब आपने इसको ये परमिशन तो दे दिया कि ये एक्सेस कर पाए आपको, किसको, प्राइवेट मेंबर्स को, लेकिन इस फ्रेंड फंक्शन के पास एक कंपल्सन होगी, वो क्या, कि वो ऑब्जेक्ट के जरिए ही उसके मेंबर्स को क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा। यानी कि फ्रेंड फंक्शन कैन यूज द मेंबर्स या रिसोर्सेस ऑफ द क्लास, यहां लिख सकते हैं फ्रेंड फंक्शन कैन यूज, यानी फ्रेंड फंक्शन यूज कर सकता है द रिसोर्सेस ऑफ अ क्लास, द रिसोर्सेस ऑफ अ क्लास only using an object of the same class, यानी कि उस एक object के जरिए using an object of the same class, उसी class के, यानी कि जो class का आपने उसको बनाया है friend, जैसे कि example तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपने मान लीजिए इस ABC class का जो है वो friend बनाया है इस function को, तो इस double A के जरिए ही ये क्या कर पाएगा, use कर पाएगा सारे के सारे जो भी रिसोर्सेस है इसके, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन रिसोर्सेस को। इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट इसे चाहिए होता है, इसीलिए हमारा थर्ड पॉइंट आता है क्या, कि थर्ड पॉइंट ये आता है कि आपको हमेशा जब भी आप फ्रेंड फंक्शन कॉल करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, फ्रेंड एक फंक्शन है, ठीक है, फ्रेंड क्या एक फंक्शन है, तो एज एन आर्ग्यूमेंट आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो यूजुअली थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, usually a friend function has object as an argument, यानी कि हमेशा usually तो क्या प्रायः basically हमेशा ही मानिए कि जो friend function होता है उसको एक object चाहिए होता है as an argument, और ये object कौन सा object होता है, तो जिस class के resources को आप उसके जरिए use करना चाहते हैं। और एक और पॉइंट अगर चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन को आप पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं या प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी एक पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये था एक फ्रेंड फंक्शन के बारे में सारा कुछ थियोरेटिकली। चलिए एक प्रोग्राम हम इस पे करके देख लेते हैं जिससे हमारा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, ऑब्वियस ही बात है प्रोग्राम का जो हमारा सबसे पहला लाइन होगा वो क्या होगा, #include iostream.h, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर मेरा जो उसमें मेरा जो आईडीएली है, आईडीई है, मतलब जिसमें मैं C++ को रन करता हूँ, लाइक डेव C++ है, टर्बो C++ है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट है जहाँ यूज कर सकते हैं, तो कहीं कहीं वो कहते हैं कि सर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि हमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों?
या हैश इंक्लूड कोनियल डॉट हैश में लिखता हूं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे ऐसे आईडीई हैं जिन्होंने इन सब चीजों को क्या कर लिया है, बाय डिफॉल्ट खुद ही जो है वो अपने अंदर ही कॉल वो कर लेते हैं, मतलब वो मान के चलते हैं कि इसके बिना तो प्रोग्राम हम लिख नहीं सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं वो पहले से ही उसको क्या करते हैं इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपको उसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि एग्जाम में जब आप कोड लिखेंगे तो इसको इसी पैटर्न को फॉलो करके लिखेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अब हम आते हैं, हमने लिखा हैश इंक्लूड स्टूडेंट डॉट हैश, हैश इंक्लूड कोनियल डॉट हैश, क्लास एक बनाते हैं, मान लीजिए क्लास का नाम हम देते हैं डेमो, यही हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें दो सेक्शंस मानते हैं, एक इंटीजर ए सेक्शन और एक इंटीजर बी सेक्शन, दो मान लिया, ठीक है। अब हम इस पब्लिक सेक्शन में आते हैं, इसके एक फंक्शन लिखते हैं void get data, है ना, एक फंक्शन जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं void get data, और उसके बाद हम क्या करेंगे इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, अगर चाहे तो इसको इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं चाहे तो इसके बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, चलिए बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक तो हमने इनपुट की लिख लिया, get data का मतलब क्या हुआ, हम ए और बी की क्या कर लेंगे यूजर से वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं एक फ्रेंड फंक्शन लिखते हैं, तो फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो कीवर्ड पहला स्टार्ट होता है उसका क्या फ्रेंड ही हम लिखते हैं, फ्रेंड फंक्शन क्या लिखते हैं फ्रेंड ही लिखते हैं। मान लीजिए हम एक सम नाम का फंक्शन लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, रिटर्न टाइप हम कर देते हैं इंटीजर, और इसमें जो हमारा डेटा टाइप जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा अंदर डेटा टाइप जाएगा वो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डेमो टाइप का, हमें क्या चाहिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन होगा फ्रेंड फंक्शन उसके पास आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के जरिए हम ए और बी को क्या कर पाएंगे यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया हमारे क्लास का डेफिनेशन हो गया बंद, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा गेट डेटा और इस सम को डिफाइन करना होगा, तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं गेट डेटा को, तो void हमारा रिटर्न टाइप है, ठीक है, क्लास का नाम हमारा क्या है डेमो है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है गेट डेटा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे दो वैल्यूज मांगेंगे ए और बी के लिए, तो हम यहां क्या लिखेंगे cout slash n enter two numbers, यानी कि दो नंबर्स को क्या करो एंटर करो, एंटर टू नंबर्स, और जो भी नंबर यूजर देगा उसको रीड कर लेंगे, ए को किसमें रीड कर लेंगे ए में, ए को किसमें रीड कर लेंगे बी में रीड कर लेंगे, हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा सम फंक्शन, अब ध्यान से देखिएगा, जब हम सम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हम मान के चलते हैं कि ये जो है वो मान के चलते हैं, बेसिकली हम ये सम फंक्शन जो होता है इस क्लास का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इस तरीके से इसको डिफाइन जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन हो जाता है ना कि डेमो के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है गेट डेटा, तो हम जो है इसको इस फॉर्मेट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारा फॉर्मेट क्या होगा डिफाइन करने का इसको, तो सिंपली जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर टाइप का रिटर्न है, ठीक है, सम नाम का फंक्शन है, और मान लीजिए हमारे पास इसमें डेमो टाइप का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका नाम क्या है डबल ए, बस। तो देखिए तो इसमें हमने इस फंक्शन को बिल्कुल जैसे सी में हम फंक्शंस को डिफाइन किया करते थे, यानी जब तक हमने क्लास ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा था सी प्लस प्लस में भी हम ऐसे ही डिफाइन किया करते थे कि रिटर्न टाइप देते थे, फिर फंक्शन का नाम देते थे, फिर क्लास डेटा टाइप देते थे और उसका एक ऑब्जेक्ट या फिर जो भी उसका वेरिएबल होता था वो देते थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमने कहा है कि हम इंटीजर रिटर्न करेंगे, तो सम का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को ऐड करके दिखा दे रहा हूं, तो मैं रिटर्न करने की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां से बस मैं क्या लिख दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा क्या डबल ए डॉट ए प्लस डबल ए डॉट बी को रिटर्न कर दूंगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या सम फंक्शन का काम खत्म। तो मैंने क्या किया, देखिए यही है ना डेफिनेशन, यही कह रहा था फ्रेंड फंक्शन का कि डेमो टाइप का क्या आएगा डबल ए आएगा, तो डबल, और ये भी कह रहा था कि देखिए पहला क्या कह रहा था ऑप्शन जो हमारा फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन था कि इस फंक्शन के पास एज एन आर्ग्यूमेंट उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरी चीज क्या कहता था, दूसरी ये कहता था कि हम इसी ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर पाएंगे किसको उसके मेंबर्स को, तो डबल ए के ए की बात कर रहा है, डबल ए के बी की बात कर रहा है, और उन दोनों को सम करके रिटर्न कर दे रहा है। ये हो गया, अब आते हैं मेन फंक्शन में, क्योंकि सारा कॉल करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं क्या void main, है ना। अब इस मेन के अंदर क्या लिखेंगे हम, ऑब्वियसली बात है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मान लीजिए हम क्या बनाते हैं डेमो टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डबल ए, तो मतलब डबल ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर क्या क्या सेक्शन आया, एक ए सेक्शन आया, एक क्या सेक्शन आया बी सेक्शन आया। अब हम आते हैं कि इसमें पब्लिक सेक्शन में इसमें क्या आया, एक आया हमारा कौन सा गेट डेटा, और याद रखिएगा सिर्फ गेट डेटा ही रहेगा, ये सम जो है इस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन का मतलब होता है कि आपने उसको एक तरह से प्रिविलेज दी, आपने उसको एक फैसिलिटेट किया कि वो एक्सेस कर पाएगा, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको इस ए और बी के लिए वैल्यूज लेने हैं, तो क्या करेंगे आप डबल ए डॉट गेट डेटा, तो जैसे ही आप डबल ए डॉट गेट डेटा करेंगे ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, है ना, जैसे कोई फंक्शन कॉल होता है वो पता है सीधे वो कहां आता है अपने डेफिनेशन पे आता है, यहां आएगा,
ठीक है, एंटर टू नंबर्स पूछेगा, ए और बी की वैल्यू लेगा, तो किसके ए में, तो डबल ए के ए में वैल्यू जाएंगे। मान लीजिए उन्होंने 5 दिया और यहाँ 2 दिया, ठीक है। अब जब इसका डेफिनेशन खत्म हो जाता है तो मैंने आपको बताया ये लौट के वहीं जाता है जहां से इसको कॉल किया गया था, वापस यहाँ आया। अब इसके बाद आगे, तो आगे क्या है, मान लीजिए मैं एक सीआउट फंक्शन देता हूँ सीआउट, और यहां कहता हूं क्या, एडिशन इक्वल टू, और मैं यहां कहता हूं सम फंक्शन को कॉल करो। कौन सा फंक्शन है यहां पे, ये देखिए कौन सा फंक्शन है, सम फंक्शन है ना, तो मैं कहता हूं क्या कि सम फंक्शन को कॉल करो और एज एन आर्गुमेंट डबल ए को पास कर दो। सम फंक्शन कॉल करो और एज एन आर्गुमेंट डबल ए को पास कर दो, क्यों, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट एक ऑब्जेक्ट जाता है उसी क्लास का। तो देखो अब यहां पे क्या होगा, यहां जैसे ये फंक्शन कॉल होता है, ये तो आपको क्या है, मैसेज है। तो अगर मैं आउटपुट सेक्शन की बात करूं तो आउटपुट में मैसेज आता है, सिर्फ मैसेज में क्या आएगा, एडिशन इक्वल टू, तो यहां आ गया एडिशन इक्वल टू, ओके। जैसे ही उसके बाद ये हुआ, सम फंक्शन कॉल हुआ, ये सीधे अपने डेफिनेशन पे आएगा, यहां आएगा, और ये जो डबल ए था, यानी यू कह सकते हैं कि यही वाला डबल ए ना, ये वाला डबल ए एज यहां पे आ गया, तो यहां पे अभी भी ये डबल ए के नाम से ही जाना जा रहा है, क्योंकि यहां पे मैंने नाम चेंज नहीं किया। तो कहता क्या कि रिटर्न कर दो डबल ए का ए प्लस डबल ए का बी, तो डबल ए का ए 5 प्लस डबल ए का बी कितना, 2, 5 और 2 7, तो यहां से ये क्या रिटर्न करेगा, 7 रिटर्न करेगा। तो कोई भी चीज जो रिटर्न होती है वो वही जाती है जहां से उसको कॉल किया गया था, यहां आएगी, तो यहां पे सब 7 आएगा, तो एडिशन इक्वल टू के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। गेट सी एस से हम क्या करेंगे, स्क्रीन होल्ड कर देंगे। अब देखिए वॉइड मेन लिखा था तो हम यहाँ पे सीधे ये बंद कर देते हैं, हो गया प्रोग्राम। लेकिन मैंने बताया था ये वॉइड मेन जो होता है वो इट इज नॉट द स्टैंडर्ड, आपको यहाँ इंट में लिखना पड़ता है, वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड, और यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेस फुली। 0 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे आपने कहा था कि आप कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू क्या करेंगे, देंगे। तो ये है एक प्रोग्राम, मैं हट जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्ड से हट जाए कीजिए ताकि हम प्रोग्राम एक गो में देख सके, ठीक है। ये जो होता है आपको प्रोग्राम में नहीं लिखना होता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। प्रोग्राम आपको टॉप टू और यहां तक बॉटम में आप लिख लेंगे, राइट। सो ये है सब कुछ एक फ्रेंड फंक्शन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।